हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरुष जा रहे हैं अपनी जगह पे, ये इस तरीके से चढ़ते हैं। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ ये इस तरीके से चढ़ गए हैं, अभी मेरी हेल्प कराते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मैं केक में बनाने वाली हूँ। और ये मैंने प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। ये 1 कप मैदा है, ये मिल्क, वेट बेटा, ये मिल्क पाउडर है, ये कुकिंग ऑयल है, अनफ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल, और ये थोड़ा सा वार्म हल्का सा गुनगुना दूध है। इसमें विनेगर है, इसमें वेनेला एसेंस है, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मैदा है, 1/2 कप मैदा एक्स्ट्रा है जो यूज़ होगा। और ये शुगर है, मैंने तो कम शुगर का मैं केक बनाती हूँ, तो मैंने 2½ छोटा ही कप लिया है इसका, 1/2 कप। और ये 2 बर्तन है, इसमें बनेगा। तो ये केक जो है आज आरुष बनाएगा, आरुष मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि आरुष को किचन में कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो आज आपके साथ शेयर करते हैं। बोलिए हाय। तो हाय, आपको फूड बनाना है ना आज? तो आरुष, आज आप लोगों के साथ ये व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भी कुछ कुकिंग के लिए करने जाती हूँ तो आरुष इसी तरीके से चढ़ के और परेशान करता है, बनाता है। तो मैंने सोचा इसको भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि क्या आप लोगों के भी बच्चे इसी तरीके से किचन में परेशान करते हैं, या मैं ही परेशान रहती हूँ कि आरुष मुझे परेशान करता है। क्योंकि इसको ना बस किचन इसका फेवरेट प्लेस है, और इसको अगर आप कुछ भी दोगे तो इसको नहीं चाहिए। अगर आप किचन में इसको खड़े करके खाना बना रहे हो तो इसको बहुत मज़ा आएगा, तो आप भी इंजॉय करें। और यहाँ पे मैं इनको बताती जा रही थी कि अब क्या ऐड करना है, और इसको मज़ा आ रहा था, ये अपने अकॉर्डिंग कर रहा था। और ये केक आरुष की डिमांड पे ही बना है क्योंकि इसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि मैंने आरुष के लिए कौन से शेप का केक बनाया है। ये केक मैं बिना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बना रही हूँ। मैं ये केक इनो से बनाऊँगी, और सच में बहुत ही स्पॉन्जी केक बना था ये, और इनो इजी भी रहता है। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बहुत सी चीज़ें केक के लिए मुझे नहीं मिल रही थी, तो जो भी मेरे पास था मुझे मिल रहा था, मैंने उसी से ही केक बना दिया। और इस वीडियो में मैंने केक की रेसिपी एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैंने इंग्रेडिएंट्स सब दिखा दिए थे। अगर किसी को भी ये रेसिपी चाहिए होगा तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आइसिंग भी करके आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और लॉकडाउन चल रहा है ना, तो घर पर जो भी चीज़ें हैं ये केक उन चीज़ों से बहुत इजीली बन जाएगा और अच्छा बनेगा, क्योंकि इस वक्त कुछ भी मुझे सामान बाहर नहीं मिल रहा था, तो जो भी मेरे पास था मैंने उन्हीं सब चीज़ों से इस केक को बनाया है, और बहुत ही टेस्टी केक बना था। कुछ भी इस केक में कमी नहीं थी, तो आप लोग देखिए और ट्राई भी करिएगा। मैंने इंग्रेडिएंट्स आप लोग को स्टार्टिंग में दिखा दिए थे, बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और कुकर में मैंने ये केक बनाया है, मैंने फर्स्ट टाइम, वैसे मैं OTG में ही बनाती हूँ केक, तो मुझे बहुत इजी लगता है। कुकर में थोड़ा सा टेम्परेचर का वो हो गया था, तो हल्का सा वो जल गया था नीचे से, लेकिन मैंने उसको रिमूव कर दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी बहुत सॉफ्ट बना था ये केक, तो ये देख रहे हो, ये मैंने इसलिए इसको इस तरीके से ढका हुआ है ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है ना वो हार्ड ना हो। तो केक को बाहर निकालने के बाद मैंने इसको हल्का सा
हैंकी गीला करके उसमें कर दिया था, और अब मैं इसको डिमोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया, मतलब थोड़ा सा मैंने इसकी हीट हाई कर दी थी तो ये हो गया। लेकिन मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैंने इसको अच्छे से रिमूव करके बहुत सॉफ्ट ये बना है केक, और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, तब तक बाय।